नमस्कार। जन सरोकार मंच के साक्षात्कार कार्यक्रम में आज की मेहमान है लोपा मुद्रा बेहरा। लोपा मुद्रा बेहरा जी जो हैं, ये कटक की निवासी हैं, ओडिशा के शहर कटक में ये हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की प्राध्यापिका हैं। बेहरा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आप अपने बारे में बताएं, अपने लेखन के बारे में, अपने अध्ययन के बारे में, अपने शोध के बारे में, आप हमें जानकारी दें, श्रोताओं को बताएं। इस आवासीय पटल के माध्यम से मैं उन सभी विद्युजनों को एवं दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर लोपा मुद्रा बेहरा, ओडिशा कटक जिले के अंतर्गत गोपालपुर के पास स्थित काजीपटना ग्राम में मेरा जन्म हुआ है और मैं अभी कटक के एकमात्र, ओडिशा के एकमात्र हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है उसमें सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। लोपा मुद्रा जी, हिंदी के प्रति आपके मन में कैसे आकर्षण और प्रेम का भाव जागृत हुआ? हिंदी की आप विदुषी हैं, आपने हिंदी में ही अध्ययन किया है और आप प्राध्यापिका हैं, हिंदी की लेखिका भी हैं। आप अपने हिंदी प्रेम के बारे में बताएं। कार्य क्षेत्र के बारे में तो यही बताना चाहूंगी कि मेरी पूरी पढ़ाई जो है संपूर्ण रूप से कटक जिले में ही हुई है। कटक ग्रामीण स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, उसके बाद कॉलेज में जब मैं गई तो वहां पर केंद्रीय, आपने बताया कि आपका जन्म एक कटक के पास एक किसी गांव में हुआ और आपकी शिक्षा वहीं प्रारंभ हुई। आगे के अपने जीवन अनुभवों के बारे में आप हमें बताएं। जैसे कि सर मैंने कहा कि मेरी पूरी पढ़ाई जो है उड़ीसा प्रांत में ही हुई है, जैसे कि हिंदी भाषी क्षेत्र है और यहाँ पर हिंदी भाषा को पढ़ना और हिंदी से संबंधित किताबों की जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी के प्रति उनकी प्रेम है, उनके गाढ़ आत्मीयता है और उस कारण सभी बच्चे हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि मैं उड़ीसा प्रांत की एकमात्र हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में भी कार्यरत हूँ। उड़ीसा प्रांत से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए, बीएड की पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में उनका योगदान भी सर्वश्रेष्ठ है। और बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से हैं कि हमारे संस्थान से निकलने के बाद ही तुरंत ही हिंदी के प्रति उनका जो योगदान है वो विभिन्न सरकारी विद्यालयों में जाते हुए वो अपना कार्यभार संभाल लेते हैं और अपना कर्तव्य को सुचारू रूप से परिचालित भी करते हैं। और हिंदी के लिए और हिंदी भाषा के लिए एक तरफ से हम, यदि मेरी बात की जाए तो प्रारंभिक रूप से मैंने स्कूली शिक्षा जो मुझे मिली तो मैंने हिंदी भाषा को अपने एक विकल्प के रूप में लिया था और हिंदी के प्रति तभी से मेरे मन में ये आग्रह था कि मैं हिंदी में कुछ करूंगी और हिंदी भाषा को आगे लेकर जाऊंगी। और इसी इच्छा को पूर्ति के लिए मैंने प्लस टू में भी हिंदी विषय को लिया था, उसके बाद स्नातक के स्नातक तक आते आते मैंने ऑनर्स के रूप में भी हिंदी विषय को लिया और वहां पर मैं टॉपर भी रही और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था। और वहां पर रैंक होल्डर स्कॉलरशिप के तहत मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की। आगे चलते हुए मैंने स्नातकोत्तर स्तर पर भी हिंदी में अच्छा प्रदर्शन किया जिसके कारण मुझे मेरिट स्कॉलरशिप भी दिया गया था यूजीसी की तरफ से। पुनः मैंने एमफिल करते समय पीजी नेट यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद मैंने जेआरएफ और एसआरएफ की पढ़ाई की और वहां पर स्कॉलरशिप के तहत मैंने दो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत भी मैंने कार्य किया है। और रेवेन्शा विश्वविद्यालय जो कि बहुत सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय है उड़ीसा प्रांत की, वहां पर मैंने 5 वर्षों तक स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा एवं साहित्य की शिक्षा दी। वर्तमान में कटक के एकमात्र हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा विभाग के साथ जुड़ी हुई हूँ, उच्च शिक्षा विभाग के साथ। वहां पर भी भारत भर के जितने भी उड़ीसा प्रांत के जितने भी आदिवासी हो या फिर बैकवर्ड कास्ट के जो भी बच्चे होते हैं वहां पर आते हैं और उनका लगाव जो है हिंदी के प्रति अतुलनीय है। और
हर तरह की शिक्षा वहां पर दी जाती है, जैसे कि प्रशिक्षण संस्थान है। प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हम बच्चों को उभय शैक्षिक एवं सहशैक्षिक चीजों की शिक्षा देते हैं, और वहां पर बच्चों के नैतिक शिक्षा एवं नैतिक मूल्यबोध पर भी बात की जाती है, और बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे इन सब बातों को जानकर कि उड़ीसा के सुदूर गांवों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं बच्चों में से ढेर सारे बच्चे जो हैं वो देश की जो राजभाषा है हिंदी, उसके प्रति उनके मन में विशेष अनुराग का भाव जागृत होता है, और आगे कॉलेज की पढ़ाई भी वो हिंदी विषय को लेकर के ही पूरा करते हैं। और लोपा मुद्रा जी भी उन्हीं लोगों में एक मानी जा सकती हैं। बाल्यावस्था में हिंदी के प्रति इनके मन में जो प्रेम का भाव जागृत हुआ, आगे चल करके कॉलेज में भी वह प्रेम यथावत कायम रहा, और इन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर की अपनी जो पढ़ाई है वो हिंदी में संपन्न की, और इन्होंने विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया है। और अब मैं लोपा मुद्रा बेहरा जी से ये जानना चाहूंगा कि हिंदी के किन लेखकों से ये बहुत प्रभावित हुई, उनमें कवियों के बारे में भी बता सकती हैं हमें, और उपन्यासकारों के बारे में, कहानीकारों के बारे में, चिंतकों के बारे में, हिंदी साहित्य की आप अध्येता हैं लोपा मुद्रा जी, हिंदी के किन लेखकों को आप बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, उनकी रचनाओं से आप प्रभावित हुई हैं, उन सबके बारे में संक्षेप में हमें बताएं। जी सर, मेरी रुचि गद्य साहित्य की ओर अधिक रही है, जैसे कि, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जैसे कि मैं साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, तो साहित्य के साथ तमाम चीजों की, तमाम विषयों की शिक्षा मैंने पाई है, और मेरे गुरुजनों को यहाँ पर मैं सादर प्रणाम भी करना चाहूंगी कि उनके मार्गदर्शन से यहाँ तक मैं पहुंच पाई हूँ। जैसे कि हिंदी विधा के साथ साथ मैंने कहानी को भी पढ़ा है, उपन्यास को भी पढ़ा है, विभिन्न प्रकार की गद्य एवं पद्य रचनाओं को भी पढ़ा है, महादेवी वर्मा जी को पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी पढ़ा है। लेकिन खास तौर पर यदि मुझे ये कहा जाए कि किस विधा के प्रति अधिक रुचि रही है, वो है गद्य विधा के प्रति। लेकिन मैंने अपने पीएचडी की जो पढ़ाई की, अपने पीएचडी के जो अनुसंधान का शोध कार्य किया है, वो प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार की कविताएं एवं उनके अनुवाद ग्रंथों पर ही किया है। उड़िया एवं हिंदी साहित्य में जो अनुवाद हुए हैं, जो काव्यानुवाद हुए हैं, उन पर उनका मूल्यांकन परक दृष्टिकोण को मैंने सभी के सामने रखने का, अपने शोध प्रपत्र के माध्यम से रखने का वहां पर प्रयास किया था। जैसे यहाँ पर मैंने अधिक से अधिक कविताओं के ऊपर भी मैंने संक्षात्मक टिप्पणी लिखा है, मैंने बहुत सारे अनुवाद भी किए हैं, अनुवाद के साथ साथ 30 से अधिक आलेख भी मेरे छप चुके हैं। अनुवाद कार्य में निरंतर रुचि रही है। उभय साहित्य एवं शिक्षा से अंतर्गत विषय वस्तु से मैं परिचित हूँ, और आगे उसके ऊपर भी कार्य कर रही हूँ, अभी कार्य चल भी रहे हैं। साहित्य के विद्यार्थी और अध्ययन का कार्य शिक्षा के तहत करते हुए मैंने साहित्य जनसमुदाय, जैसे कि हम कह सकते हैं कि साहित्य जो है वो जनसमुदाय के हृदय का विकास है, यानी साहित्य को हम समाज के साथ जोड़कर ही उसकी परिकल्पना करते हैं। इसलिए हम ये कदापि नहीं कह सकते कि साहित्य जो है वो केवल हमारे वैचारिक धरातल पर हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, केवल उसी को ही हम लिखते हैं, बल्कि समाज के साथ जुड़कर, लोगों के साथ जुड़कर, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़कर एवं अनुभव के साथ जुड़कर हम साहित्य रचना के बारे में सोचते हैं। अधिक लोपा मुद्रा जी ने बहुत ही एक रोचक बात साहित्य को लेकर हमें अभी बताया है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि साहित्य का समाज से क्या संबंध है, साहित्य कैसे समाज में जो लोग हैं उनकी अभिरुचियों का साहित्य परिष्कार करता है, और समाज में जो लोग हैं तो उनमें नवीन, नई चेतना के विकास में भी
इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस दृष्टि से हिंदी के साहित्य, हिंदी की जो साहित्यिक विरासत है, उस विरासत को जानने समझने की चेष्टा में लोपा मुद्रा जी सतत संलग्न रही हैं हिंदी की अध्येता के रूप में, और इन्होंने अनुवाद का कार्य भी किया है और शोध प्रबंध लिखे हैं हिंदी साहित्य की अध्येता के रूप में। इन्होंने जो अनुवाद कार्य किया है, जिन कवियों की कविताओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, जिन लेखों की रचनाओं का इन्होंने, अपने अनुवाद कर्म के बारे में अब हम लोगों को आप बताइए कि आपने किन किन लेखों का अनुवाद किया है। सर, अनुवाद कार्य जो है वो प्रमुख रूप से दो भाषाओं को, दो संस्कृति, दो विचारधाराओं को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। और हिंदी और ओडिया, मैं जैसे कि ओडिया भाषी हूँ और यहाँ पर हम हिंदी भाषा भाषी, हिंदी भाषा से संबंधित कार्य कर रहे हैं और हिंदी को अपना अध्यापन अध्ययन का क्षेत्र बना चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को इसके साथ जोड़ भी रहे हैं, तो हमारा ये मूल उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे अधिक से अधिक इसके साथ जुड़े और इसके क्षेत्र में इसका भविष्य को प्रशस्त करें। अनुवाद जो है, अनुवाद मैंने पीजीडीटी का कोर्स किया है इसमें इग्नू में, और वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, जिसके अंतर्गत मैंने हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद के विषय में मैंने वहां पर बहुत सारे कार्यकालिक प्रस्तुत किए हैं। और जो है अभी तुरंत मैंने एक कार्य कर रही हूँ जो कि रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी के ऊपर है, जिसका कि बंगला से हिंदी, इसको मैंने हिंदी से उड़िया में अनुवाद करने का प्रयास कर रही हूँ, अभी काम उस पर चालू है। और अनुवाद के विषय में और अधिक यदि चर्चा की जाए तो मेरे गुरु जो है वो डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित जी हैं, जिनसे मैंने अनुवाद की शिक्षा ली है और उन्होंने अनुवाद से बहुत ही नामी है अनुवाद के क्षेत्र में, भारतवर्ष में उनका नाम है, और उन्होंने उनके मार्गदर्शन से मैंने बहुत सारे अनुवाद कार्य भी किए हैं। और रही बात पत्रकारिता एवं जनसंचार की, तो उसके साथ भी मेरी रुचि रही है, जनसंचार के विद्यार्थी, मैं स्नातकोत्तर स्तर पर जनसंचार की विद्यार्थी रही, तभी से मेरी रुचि जनसंचार के क्षेत्र में बढ़ी, तब पत्रकारिता, समाचार पत्र, आलेख, विज्ञापन आदि पढ़ा करती थी। इसी रुचि के फलस्वरूप एमफिल में मैंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यम जो है, इस विषय पर मैंने अपने एमफिल का शोध कार्य किया था। और उसके कुछ समय पश्चात मैंने जब पीएचडी की पढ़ाई मेरी खत्म हुई, उसके बाद बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे विचारधाराओं को लेकर मैंने एक पुस्तक बनाने के लिए सोचा, जिस पुस्तक में मैं समग्र रूप से, मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी शब्द संचार माध्यम से लेकर बहुमाध्यम तक सभी चीजों किया है। लोपा मुद्रा जी ने हमें बताया है कि अनुवाद के अलावा जनसंचार माध्यमों में भी इनकी रुचि रही है, और स्नातकोत्तर स्तर पर इन्होंने जनसंचार का अध्ययन भी किया है। जनसंचार आज हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, विषय है। जनसंचार माध्यम समाज में आज किस तरह की समस्याएं, किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, और किस तरह से जनसंचार का परिदृश्य निरंतर बदलता रहा है, हम लोपा मुद्रा जी से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि भारत में, खासतौर से हिंदी भाषी प्रदेश में, जिसको कहते हैं हिंदी मीडिया, हिंदी के जनसंचार माध्यम जो हैं, तो उनकी जो भूमिका है समाज के विकास में, समाज के परिवर्तन में, उसके बारे में आप क्या मानती हैं, क्या सोचती हैं? जी, जनसंचार के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि आज का समय जो है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी का समय है और हर तरह से हम संचार के साथ जुड़े हुए हैं। सुबह उठते हुए रात के सोने तक हम विभिन्न माध्यमों के साथ किसी न किसी प्रकार से सूचना का आदान प्रदान करते हैं या फिर सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। वो सूचना किसी न किसी माध्यम के जरिए हमारे पास पहुंचे, वो चाहे मोबाइल फोन हो, वो चाहे कंप्यूटर हो, वो चाहे इंटरनेट हो, टीवी हो, रेडियो हो, किसी भी, कोई भी माध्यम। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम संचार माध्यम की परिकल्पना करें,
तो ये हम नहीं कह सकते कि संचार माध्यम हमारे जीवन से अलग है। संचार माध्यम इस प्रकार से हमारे जीवन के साथ जुड़ गया है, जुड़ चुका है, जिसको कि हम अलग करना या फिर व्युक्त करना भी कठिन है, क्योंकि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो विभिन्न प्रकार से, विभिन्न समस्याओं से मुक्त हो, हर प्रकार की जानकारी हमारे पास तुरंत ही पहुंच जाए, और ये कार्य संचार माध्यम बखूबी निभाती है। मैंने जिस किताब की रचना की है वो किताब है आधुनिक परिवेश में संचार माध्यम। इस किताब में विद्यार्थियों की आवश्यकता, उनकी बोधगम्यता, उनकी रुचि एवं विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज की परिकल्पना को साकार करने में जुटी हुई है, और इसमें जनसंचार माध्यमों की भूमिका सबसे बड़ी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लुपा मुद्रा जी अपनी बातचीत को अब और आगे बढ़ाएंगी, और जनसंचार माध्यमों का जो प्रभाव है हमारे देश में जनजीवन के ऊपर, भारत के लोकतंत्र के विकास में, इस पर वो अपने विचारों को रखेंगी। मैंने कहा कि आज का समय जो है मीडिया बाजार और उसका बदलता परिदृश्य का ही समय है, तो कुछ बिंदुओं को मैं यहाँ पर उठाना चाहूंगी, जो कि हम सभी जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से या फिर जनसंचार के माध्यम से कौन कौन से कार्य होते हैं। यदि हम शब्द संचार की बात कहें तो शब्द संचार के माध्यम से हम समाचार पत्र को ले सकते हैं, हम पुस्तक को ले सकते हैं, मैगजीन को ले सकते हैं। यदि श्रव्य संचार को माध्यम बनाए, श्रव्य संचार में हम रेडियो, विभिन्न प्रकार के FM, विभिन्न प्रकार के श्रव्य सामग्रियों को ले सकते हैं। यदि हम श्रव्य दृश्य की बात करें तो टेलीविजन सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, और बहुमाध्यम की यदि हम बात करें तो बहुमाध्यम के अंतर्गत हम रख सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को रख सकते हैं, इंटरनेट को रख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया को रखा जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को यदि हमारे साथ ये उपयोग में आ रहे हैं तो इसको और अधिक बेहतर ढंग से हम किस प्रकार से कार्य में ला सकते हैं। तो सबसे प्रथम मैं कहना चाहूंगी, अधिक से अधिक समाज उपयोगी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाए। इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हो या फिर जनसंचार के माध्यम से हो, यदि हम अधिक से अधिक समाज उपयोगी यानी समाज के विभिन्न वर्ग, वो चाहे युवा वर्ग हो, बाल वर्ग हो या फिर वृद्धा वर्ग हो, इन तमाम लोगों के लिए उनके उपयोगी के कार्यक्रम का प्रसारण किया जाए तो उनके लिए वो अधिक कारगर सिद्ध हो सकता है, जिससे वो रुचि ले सके, जिनसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, जिनसे उनके समस्याओं का समाधान हो सके, उस प्रकार के कार्यक्रम अवश्य ही संचार माध्यमों के जरिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। केवल ऊपरी तौर पर चीजों को प्रसारण करना, खबरों को प्रसारण करना या फिर सत्यता ना हो केवल कल्पनीय चीजों को प्रसारण करना, ये आवश्यक नहीं है। हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है संचार माध्यमों के जरिए लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास किया जाए, उनके वास्तविक जीवन के साथ जुड़ने का प्रयास किया जाए, उनके अनुभवों के साथ जुड़ने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ भविष्य हेतु उपयोगी भी संचार माध्यम बन पाए। भविष्य के लिए उपयोगी इस क्षेत्र में मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम आज जो भी कार्य कर रहे हैं उसको किसी न किसी लक्ष्य के साथ कर रहे हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति जो है वो विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए हो सके, यानी भविष्य के लिए वो उपयोगी बन सके। जिस प्रकार के कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, जिस प्रकार के सूचनाओं का प्रसारण किया जा रहा है, जिस प्रकार के चीजों का प्रदर्शन किया जा रहा है, वो किसी न किसी तरीके से, वो चाहे छात्र वर्ग के लिए हो, युवा वर्ग के लिए हो, बुद्धिजीवी के लिए हो, विभिन्न क्षेत्रों में वो उपयोग में आ सके, उससे कुछ सीख ले सके, इस प्रकार के कार्यक्रम का प्रसारण अवश्य ही होना चाहिए। जीवन के प्रत्येक समस्या का हल दे सके, संचार माध्यमों का ये प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए कि वो जीवन के तमाम समस्या, तमाम विघटनों का एक कुछ ना कुछ मार्ग अवश्य ही वो निकाल सके। इस प्रकार की समस्या का हल यदि वो दे सकते हैं, यानी हम यदि इंटरनेट के जरिए, गूगल के जरिए कुछ सर्च करते हैं तो तुरंत ही हमारे पास वो सारी सूचनाएं तुरंत ही मिल जाए, विभिन्न किसी प्रकार की बाधा का सामना हम ना करें। क्योंकि आज का समय जो है हम ये कह सकते हैं शहरी जो शहर का क्षेत्र है वहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं,
लेकिन जो ग्रामीण पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज स्थान है, वहां पर कोई भी सूचना एवं प्रसारण की सुविधा नहीं है। बच्चे वहां पर बहुत सारे असुविधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, वहां पर यातायात के साधन नहीं है, वहां पर कोई सरकारी सुविधाएं भी उनको उपलब्ध नहीं। इस कड़ी के साथ मैं और कुछ भी जोड़ना चाहूंगी कि यदि हम वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो हमें अतीत, वर्तमान एवं भविष्य की कड़ी वो बन सके, इस प्रकार की सोच रखना चाहिए। यानी हम जिस अतीत से हम गुजरे हैं और जिस वर्तमान में जी रहे हैं और जिस भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं, उन तीनों में सामंजस्य रहे। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में जो प्रसारण कोड है उसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज की जो मीडिया है, गूगल ने, इंटरनेट ने आज मीडिया में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया है। जनसंचार माध्यम जो है विदेशी, मतलब वर्चस्व और प्रभुत्व की जो डिजिटल कंपनियां हैं, तो उनके प्रभाव जो है वो अलग है, उनके उनका जो उनकी जो भूमिका है वो अलग है, और एक अंतर्विरोध की स्थिति भी कायम हो रही है, जिसको लेकर के हमारे देश की सरकार बहुत सचेत भी है, सजग भी है, और अक्सर हस्तक्षेप भी सरकार करती रही है। तो हम लोग लोपा मुद्रा जी से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि रेडियो टेलीविजन जैसे जो माध्यम, मीडिया के जो नए प्रसंग सब हैं हमारे देश में, लोपा मुद्रा जी उसके बारे में बताएं, इनमें विदेशी मीडिया, इंटरनेट जैसे माध्यमों में उसकी उसकी उपस्थिति, भारतीय जनजीवन के साथ में उसके सकारात्मक नकारात्मक जो प्रसंग सब हैं, सरकार का जो दृष्टिकोण है उसको लेकर आप कुछ हमें बताएं, नई बातें सब जो हैं उनकी जानकारी आप दे सकती हैं। अतीत, वर्तमान एवं भविष्य की कड़ी उसको मीडिया को बनना चाहिए। यानी हम अतीत में जिस प्रकार का जीवन हमने जिया है, वर्तमान में जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, और आगे की कड़ी किस प्रकार से हम भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं, उसका एक तारतम्य बना रहे, उसमें एक संतुलन बना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मकता के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं लोगों को वो भ्रमित न करें। मीडिया के माध्यम से अथवा जनसंचार के माध्यम से किसी भी प्रकार का प्रसारण न किया जाए, जैसे लोग भ्रमित हो, दिग्भ्रमित हो, या फिर एक दूसरे के विरोध में हो जाए। जैसे कि आज के समय में इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे आप उदाहरण देख रहे होंगे, धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, या फिर लोगों के संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर विभिन्न विपरीत चिंताधाराएं लोगों तक पहुंच रही हैं और लोग प्रतिक्रियाशील भी हो रहे हैं। लेकिन जबकि हम भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं और भारत की अखंडता की कामना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जनसंचार माध्यमों के जरिए, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, किसी भी प्रांत में हम हो, लेकिन मीडिया के जरिए हम हर किसी लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं, तो वहां पर मैं ये कामना करना चाहूंगी इस किसी भी प्रकार की ऐसी खबर या फिर सूचना या फिर कोई भी ऐसी विषय वस्तु का प्रसारण प्रचारण ना हो जिसके माध्यम से लोग भ्रमित हो, एक दूसरे के विरोधी बन जाए। नैतिक मूल्यों के साथ साथ आधुनिकता के सकारात्मक पक्ष को भी उजागर करना चाहिए। यानी केवल हम मनोरंजन धर्मी कार्यक्रम का यदि प्रसारण करते हैं अथवा अधिक से अधिक हम भविष्य की परिकल्पना करते हैं लेकिन वर्तमान को नजरअंदाज करते हैं, तो वो भी सही नहीं है। हमें ऐसे कार्यक्रम या फिर नैतिक मूल्यों से संबंधित विषय वस्तु का प्रसारण प्रचार करना चाहिए, जिससे कि लोग आज जिस प्रकार से अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, क्योंकि लोग जितना हम भविष्य, जितना हम अतीत को देखते हैं उतना ही हम सीमित होते जा रहे हैं। उस समय में लोग अपने पड़ोसियों के साथ वार्तालाप करते थे, अपने सगे संबंधियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए उनके पास समय था, लेकिन आज अब एक परिवार में रहते हुए भी लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी के लिए भी उनके पास समय नहीं है। सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मोबाइल लेकर अकेले बैठे रहते हैं और मीडिया के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन इस स्थान पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों में नैतिकता के मूल्यबोध की बात उन तक पहुंचाई जाए। मैं नैतिक मूल्यबोध की बात कर रही थी कि आधुनिकता के सकारात्मक पक्ष को यदि मीडिया उजागर करे, जनसंचार माध्यमों के जरिए हम उजागर कर सके, तो वो भी बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। क्योंकि हम जितने भी एक परिवार के भीतर भी जब रहते हैं, तो हम छोटे से बच्चे को ये शिक्षा देते हैं कि वो किस तरह से अपने बड़ों का अनुकरण करें, बड़ों से सीखें, नैतिक चीजों को शिक्षा ग्रहण करते हुए जब वो सीमित परिवेश से व्यापक स्तर तक पहुंचे, समाज में पहुंचे, तो वहां पर वो एक संतुलन बनाए रखे,
और अपने आप को वहां पर अच्छे से आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित कर सके। इसलिए यदि हम यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करते हैं जो कि मानविकता के पक्षधर हैं, जो मानव के पक्षधर हैं, तो उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चों को भी नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। यदि हम बड़े बुजुर्गों की बात करें तो वो भी अपने उस प्रकार के कार्यक्रम जैसे पौराणिक कथाओं के ऊपर हो गया, या फिर सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित हो गया, या फिर बड़े बुजुर्गों की सेवा निष्ठा एवं उनकी उनके संबंधित कोई कार्यक्रम हुआ तो उन चीजों का भी हम प्रसारण कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार कहना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पर फिल्मों की बात की जा रही है कि ये भी जनसंचार का एक माध्यम ही है कि हम फिल्मों के माध्यम से भी अपने मनोरंजन से संबंधित, शिक्षा दीक्षा से संबंधित, अपने वैचारिकता से संबंधित चीजों को देखते हैं और अपने समय का सदुपयोग एक तरह से कर सकते हैं, क्योंकि व्यस्त बहुल समय में, व्यस्त बहुल जीवन में हम उतना समय नहीं मिलता है अपने लिए, लेकिन फिल्मों के माध्यम से हम थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं। लेकिन उस फिल्मों के माध्यम से भी हमें वो सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अब एक उस समय एक समय था जब परिवार एक साथ मिलकर फिल्म देखा करते थे, लेकिन अब का जो समय है बिल्कुल परिवर्तनशील है और एक साथ परिवार बैठकर फिल्म देखने का जैसा कोई माहौल नहीं है। इसलिए यहाँ पर सेंसर बोर्ड को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, विभिन्न प्रकार के डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर को इसके ध्यान रखना चाहिए कि वो इस प्रकार के फिल्मों का प्रचार प्रसार करें जो लोगों के लिए एक सीख दे सके, लोगों के भविष्य का निर्माण कर सके, ना कि लोगों को दिग्भ्रमित करें या लोगों को उत्तेजित करें या फिर समाज का पथ भ्रष्ट करें। इस प्रकार के फिल्म एवं विज्ञापन का प्रसार तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि हम समाचार पत्रों की, यदि अभी तो ओटीटी एवं विभिन्न प्रकार के शॉर्ट फिल्मों की बात हो गई है कि एक घंटे में ही फिल्म समाप्त हो जाती है और एक घंटे में ही हम फिल्म का मनोरंजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी उस प्रकार के फिल्म का प्रसारण होना चाहिए जिस प्रकार से कि लोग उस फिल्म को देखकर अपने आप को उसके साथ जोड़ सके, अपने समस्या का समाधान ढूंढ सके, अपने मनोरंजन के साथ साथ उनके भविष्य के लिए उनका एक दृष्टिकोण इस प्रकार से व्यापक बन सके, जैसे जिस चीज को देख रहे हैं उस चीज से कुछ सीख ले सके, अपने बच्चों को कुछ सिखा सके, अपने बच्चों को अपने पास में बिठाकर उस फिल्म को दिखा सके और उस फिल्म से कुछ सीख अपने बच्चों को दे सके। इस प्रकार के विषय वस्तु को लेकर यदि अच्छी फिल्में बनाई जाए तो वो हमारे समाज के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। और विज्ञापन के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि विज्ञापन जो है जी, विशेष रूप से हम कह सकते हैं जो विज्ञापित वस्तु, तो विज्ञापन के माध्यम से भी केवल सत्य एवं लोगों को भ्रमित ना किया जाए, सत्यता के ऊपर विज्ञापन का प्रचार प्रसार हो। जिन चीजों शरीर के लिए अहितकर जो चीजें हैं, हमारे लिए जो उपयोगी नहीं है, उस प्रकार के विज्ञापन का प्रचार प्रसार ना किया जाए, क्योंकि व्यवसाय के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के, वो गुटखा से संबंधित हो या फिर पान मसाले से संबंधित हो या फिर विभिन्न प्रकार के उत्तेजक चीजों से संबंधित हो, विज्ञापन का प्रसार किया जा रहा है। तो वहां पर हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोगों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए तथा हमारे लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए, रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रकार के विज्ञापन का प्रसार प्रचार करना चाहिए जो कि लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। और यहाँ पर मैं इन तमाम चीजों, जो जो बातें यहाँ पर हुई हैं, उन तमाम चीजों को लेकर मैंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक को मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। ये वो पुस्तक है, ये पुस्तक है आधुनिक परिवेश में संचार माध्यम। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने जैसे कि मैंने पहले से ही कहा था कार्यक्रम के प्रारंभ में कि संचार जो है ये हिंदी भाषी क्षेत्र है और हिंदी भाषी क्षेत्र में किताबों को जुटाना, किताबों से संबंधित चीजों को जानना हमारे बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। जनसंचार माध्यम किस तरह के नए रिश्तों को कायम करना चाह रहे हैं, क्या ये बहस का विषय नहीं है? सिनेमा जैसे माध्यमों में जो हमारी विरासत रही है और राज कपूर के से लेकर और बाद के दौर के जो फिल्मकार सब रहे हैं, नई सिनेमा आंदोलन के दौर के फिल्मकार सत्यजीत राय ने फिल्में बनाई और सारी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया भारतीय सिनेमा की ओर। आज हमारे देश की सिनेमा की वो गौरवशाली विरासत क्यों विस्मृत होती जा रही है, क्यों उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं?
बाजारवाद ने, हमें उपभोक्तावाद ने हमारी कला परंपरा को, हमारी अभिव्यक्ति के दायरे को क्यों इस तरह से बदल दिया? ये सब चिंतन के ऐसे प्रसंग हैं जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। और आज लोपामुद्रा जी ने इन सब बातों की ओर संकेत किया है, इशारा किया है कि जनसंचार माध्यम जो है उनकी भूमिका को लेकर करके नए सिरे से विमर्श की जरूरत है समाज में। और इस विमर्श में सरकार, संसद, समाज, पत्र पत्रिकाएं, खुद मीडिया, इस विमर्श में मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। और हम लोग अब चाहते हैं कि लोपामुद्रा जी इसी तरह से साहित्य की भूमिका के बारे में भी हमें बताएं, या साहित्य में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, और जो प्रेमचंद की परंपरा थी, साहित्य जो है वो समाज के लिए लिखा जाए, साहित्य समाज का दर्पण है। उसके पहले कबीर ने, तुलसीदास ने, भक्ति आंदोलन के संतों ने समाज को बदलने में, समाज को जागृत करने में, नई चेतना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा जो आज का साहित्य है वह अपने सरोकारों में इन प्रवृत्तियों को कितना प्रदर्शित कर रहा है, इन सब विषयों को लेकर के भी संक्षेप में लोपामुद्रा जी से हम उनके विचारों को जानना चाहेंगे। जी सर, तो जैसे कि मैं अभी किताब के बारे में बात कर रही थी, इस किताब के माध्यम से मैंने उन तमाम चीजों को एकत्रित करने का प्रयास किया है जो कि आज के समय के लिए, आज के समाज के लिए उपयोगी है। इसमें जनसंचार एवं माध्यम भी है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जैसे मैं किताब के बारे में ही बता रही थी कि इस किताब में मैंने आज के समय को देखते हुए, और जब से कि ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि विद्यार्थियों की आवश्यकता, उनकी बोधगम्यता, उनकी रुचि तथा विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए ये किताब बनाई गई है और लिखी गई है, जिसमें कि जनसंचार एवं विभिन्न प्रकार के माध्यम की, प्रथम विषय जो है इसमें जनसंचार एवं विभिन्न माध्यमों की बात की गई है। पुनः आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संचार, मुद्रित संचार माध्यमों की उपयोगिता क्या है, कौन कौन से मुद्रित संचार माध्यम है और उनकी उपयोगिता, उनकी कार्य क्षेत्र, उन तमाम चीजों के बारे में बताई गई है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में श्रव्य संचार माध्यम कौन कौन से हैं, उन श्रव्य संचार माध्यमों की उपयोगिता क्या है, उन श्रव्य संचार माध्यमों के जरिए हम लोगों के साथ किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, लोग श्रव्य संचार माध्यमों के बारे में भी बताया गया है। फिर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में श्रव्य दृश्य संचार माध्यमों के बारे में भी चर्चा की गई है। श्रव्य दृश्य संचार माध्यम जो कि आज तो एक अभिन्न अंग है हमारे समाज के लिए। और अंत में मैंने यहाँ पर चर्चा की है कि अतीत के लिए विशिष्ट परिकल्पना, भविष्य के लिए विशिष्ट परिकल्पना क्या हो सकती है। अतीत में हम जिन जिन विषयों को लेकर या फिर जिन संचार माध्यमों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, भविष्य में वर्तमान समय को लेकर फिर यदि हम भविष्य की परिकल्पना करते हैं तो वहां पर विशिष्ट परिकल्पना क्या हो सकती है। जैसे कि अभी हम अभी हाल ही में हमने देखा कि चंद्रयान के माध्यम से हम, वो भी एक संचार के क्षेत्र में उसको भी हम जोड़ सकते हैं क्योंकि चंद्र में जाने के पश्चात कि कौन कौन से विशेष चीजें हमारे सामने आ सकती हैं, विभिन्न प्रकार की खोज अनुसंधान के जरिए नए नए तथ्य, नए नए विचारधाराएं सामने आ सकती हैं और उन चीजों को लेकर भी हम आगे की परिकल्पना भी और अधिक कर सकते हैं और हमारे ज्ञान का विस्तृतिकरण भी किया जा सकता है इसके माध्यम से। हम अपने भविष्य के बारे में जो कुछ भी सोच रहे हैं तो जनसंचार माध्यम जो है हमारे उस चिंतन को भी समेट रहे हैं। और यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है कि भविष्य को लेकर के हम आशावादी बने, भविष्य को लेकर के हम सकारात्मक दृष्टिकोण को कायम करें और जनसंचार माध्यम जो है वो अपने हमारे वर्तमान जीवन के प्रसंगों को लेकर के भी इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आज डॉक्टर लोपामुद्रा बेहरा जी से बातचीत संपन्न हुई, तमाम तरह के व्यवधानों के बीच ये बातचीत चलती रही है और आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।